अच्छा महीने की इतनी बचत हो जाती है इसकी। वजन को तो पूछे आपने गलत करके पूछे, यहाँ तो वजन तो 100 रुपए तो काटेगी बाहर गाड़ी। भाई की गाड़ी के पास आ जाते, अगर बात करे तो यहाँ पे भाई ने बुल गार्ड है जो काफी जबरदस्त जो है यहाँ पे लगा रखा गाड़ी के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र गाड़ी नंबर है, मध्य प्रदेश की जो गाड़ी है, लेकिन गाड़ी है जो ये बुरहानपुर की गाड़ी है, नंबर भाई ने लिया कोई रिश्तेदार के नाम होगी। तो अगर हम बात करेंगे फ्रंट की, बाबा सेलानी गरीब नवाज जी है जो उनका भाई काफ़ी फैन है, सबका मालिक एक है भाई ने क्या बात कर दी है। यहाँ पे ब्लैरो गाड़ी के अगर देखा जाए यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा हेडलाइट जो है भाई ने लगा रखी है कि यहाँ पे हेडलाइट आ गई गाड़ी की, तो काफ़ी ज़बरदस्त बुल गार्ड है। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे होती है ज़बरदस्त बारिशें। 13 मॉडल है भाई गाड़ी ये, तो भाई कितनी एवरेज करती है बॉडी देख सकते हैं, किस माल के ऊपर चलती है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे आज हम। तो गाड़ी भाई बहुत ही ज़बरदस्त, आगे से देख लो, पीछे के देख लो क्या भरा हुआ है, अभी तो खाली क्रेट है भाई के गाड़ी में। तो भाई किस माल के लेकर चलता है, डाला वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है इस गाड़ी का। तो भाई अगर बात करें हब्बों की, तो ट्रक की तरह हब्बे हैं इस गाड़ी की। तो गाड़ी के अंदर आ जाते हैं भाई, पहले तो ब्लैरो पिकअप और सिद्धू मूसेवाले का भाई यहाँ भी फैन निकल चुका है बुरहानपुर में। तो भाई एंटर करते हैं गाड़ी के अंदर, देखना भाई। तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुके हैं हम भाई के पास में, तो गाड़ी में भाई बैठ चुके हैं। भाई जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? सब बढ़िया है भाई। तो कैसे भाई साहब गाड़ी चल रही है, कितनी माइलेज गाड़ी निकाल रही है? पहले तो सर कौन सा मॉडल गाड़ी है ये? गाड़ी है 2013 का मॉडल है। अच्छा 2013 मॉडल गाड़ी है। तो 2013 मॉडल गाड़ी कितना माइलेज निकाल देती है जी? हमारा 250 किलोमीटर में चलता है, 4000 का डीजल। 4000 रुपए का डीजल, और टोल वगैरह खर्चा है इस रूट पे? टोल कुछ भी नहीं है। अगर भाड़े की बात करें कितना भाड़ा लग जाता है? भाड़ा है 8000 रुपए। अच्छा 4000 रुपए चक्कर का बच जाता है आपको। क्या माल भरते हैं आप? केला चलता है सिर्फ। ये 12 महीने चलता है? 12 महीने अपना 12 का 12 महीने चलता, खुद का केला। खेत भी आपके खुद के होंगे फिर तो? नहीं दूसरे से लाते हैं। अच्छा दूसरे से लाते हैं, चेंबर है, खुद का स्टोर है। अच्छा खुद का स्टोर है, भाई जान का है, आरिफ भाई। हाँ जी भाई है। हाँ जी भाई जाने अपने। तो मान लो ये निकाल देती 12-13 का एवरेज निकाल देती होगी गाड़ी आराम से। तो आप देख सकते हैं 12-13 का गाड़ी एवरेज निकाल देती है। निकालना चाहो तो निकालते हैं, अपन निकाल लेते हैं, हल्के पैर चलाते हैं गाड़ी। अच्छा काफी भाई ने खूबसूरत गाड़ी बना रखी है। अच्छा कितने टाइम में चक्कर, कितनी टाइम में गाड़ी आपकी भर जाती है? जैसे हमारे ट्रकों का होता है कई बार 4-4 दिन में लग जाता है। 15-20 मिनट में गाड़ी तैयार हो जाती है भर के क्रेट। अच्छा तो तुरंत खींच देते हैं? तुरंत, टाइम ही नहीं लगता, ज्यादा टाइम क्यों लगता है? कितना टाइम लगता है खाली करने में, कितना टाइम लग जाता है खाली करने में? तो कैसा है जब व्यापारी के वहाँ गाड़ी जाती है, हाँ जी, तो वो कभी किसी को बेच दिया उन्होंने पूरा माल, तो हाथ के साथ कराची में जाता है दूसरी गाड़ी में। अच्छा नहीं तो 2-3 घंटे लगते हैं बेचता, क्योंकि गाड़ी में से माल बेचता है, कोई 20 क्रेट लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 40 लेता है, उस हिसाब से माल जैसा लेना चाहिए वो ऐसा बिक जाता है। उसी गाड़ी खाली होते पेमेंट लो निकल जाओ। गाड़ी की बात करें भाई, गाड़ी की एवरेज आ चुकी है, बचत आ चुकी है 4000 रुपए एक दिन का आपको बच जाता है। तो कितने चक्कर लग जाते हैं महीने में? महीने में तो ज्यादा ही लगते हैं। लग जाते हैं 25 चक्कर या 30? हाँ लगते हैं, इतने लग जाते हैं ना, लग जाते है। तो अच्छा काम है ट्रक से, तो यार फिर बढ़िया काम है, हमारे ट्रक में नहीं इतने पैसे बचते यार। ट्रक का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारी गाड़ी ने, छोटी ने। अच्छा महीने की इतनी बचत हो जाती है इसकी? महीने की अच्छी खासी बचत होती है। फिर भी आइडिया तो कैसा महीने की निकालती है? 50,000, 60,000, 70,000। अच्छा 70,000 तक निकाल के, खर्चा पानी सब निकाल के, सब निकाल सर्विस वगैरह में। तो कोई दिक्कत भी है जो गाड़ी चलाने में, पिकअप में कोई परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं है, पिकअप इसको चलाऊंगे तो आप बोलेंगे मैं जबरदस्ती बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा बड़ी गाड़ी चला रहे ऐसी है, क्या बात है। ये फैन वगैरह कहाँ से लगाए आपने? बहुत ही बढ़िया, ये बुरहानपुर से। कितने के लिए ये? ये है 450 रुपये। 450 चलाना भाई, यहाँ से चलते हैं? चलते नहीं है ना। अच्छा ये प्लग लगाया, क्या बात है भाई, फैन यहाँ पे भाई ने चालू कर दी है, क्योंकि गर्मी का अगर टाइम है तो आप फैन वगैरह बहुत ही तरीके से चला सकते हैं। गाड़ी बनाते हैं, एक से गाड़ी बनाते हैं, पिकअप एक से गाड़ी बनाते हैं। तो भाई ने अगर लाइटिंग की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं, लाइटिंग शकीन है पूरा, थोड़ा बंद हो गई है। अच्छा नहीं तो रात में बहुत अच्छी लगती है लाइटिंग। अच्छा रात को बहुत अच्छी लगती है गाड़ी में लाइटिंग है, बाहर से भी है। हाँ जी बहुत खूबसूरती है इसके अंदर, ये बारिश पानी के अंदर हम नहीं लगाते बैठक। अच्छा खराब हो जाती है? हाँ बारिश के बाद अपडेट वर्जन करते, मतलब अपडेट करते मतलब कुछ नया लगाते, कुछ नया करते रहते हैं, नया करते रहते हैं।
तो सर कोई परेशानी नहीं है गाड़ी में? 13 मॉडल गाड़ी कितने किलोमीटर अभी तक चल चुकी होगी ये? अभी किलोमीटर बंद हो चुका है। अच्छा 274,000 वैसे बंद हो चुका भाई, कहता किलोमीटर। भाई एक कमेंट आया था कि पिकअप की आप जरूर वीडियो बना, तो भाई हमारे को मिल चुके हैं। भाई क्या नाम आपका? नाम शेख रियाज। शेख रियाज भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अच्छी बचत हो जाती है, ट्रक से बढ़िया भाड़ा है। कोई सर परेशानी तो नहीं पुलिस वालों की, जैसे हमारे को ट्रक वालों को पकड़ पकड़ते हैं? इसको पहले पकड़ रहे, देखा कहीं आप ही पकड़ रहे इसको? आईटीओ भी है, बस इतना है कि थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, रोके तो रोके, नहीं तो जाने देते। बुरहानपुर से सबसे ज्यादा कहीं गाड़ी पाई जाएगी आपको एमपी में, वो है महाराष्ट्र और एमपी के बीच में है ये जो अपना बुरहानपुर बुरहानपुर, तो वहाँ से कुछ ज्यादा ही गाड़ियां हैं। कुछ ज्यादा गाड़ी है, बढ़िया पिकअप ज्यादा है। असल में सौदा, फैजपुर, यावल, चोपड़ा, बुरहानपुर और शाहपुर, दरियापुर, इच्छापुर, ये जगह पूरा केले का इलाका है। केले का इलाका, केला है, पपैया है, तरबूज है, तो ये इधर से ज्यादा माल चलता है। और ये कैसा आजकल व्यापारी को ये गाड़ी क्यों पसंद है? ट्रक बुलाने से पैदल दो दिन खड़े रखेगा ये गाड़ी, उसने आज बुलाया ताजा काम, ये बेचा जाओ भर के लाओ। अच्छा, तो ये काम व्यापारी को बहुत पसंद है और ये काम फिर उसके अच्छा फिर यही चलाओ ना। फिर कितना वजन सर डाल लेते हैं इसके अंदर? इसके अंदर कभी डालो तो तुम 3 टन तक जा सकते हो। 3 टन पास कितना करती है गाड़ी? पास तो क्या है, ऐसा है 18-19 क्विंटल है सर। अच्छा, अंडर लोड ही चलते हैं आप ज्यादा? अंडर लोड नहीं, यहाँ तो वैसा है कि लोड का तो मैं तुमको बता ही नहीं सकता है। अच्छा। कॉम्पिटिशन चलता है, 4 टन भी डाल देता कोई बंदा कॉम्पिटिशन चल रहा है, भाड़े के अंदर भी कॉम्पिटिशन चलता है। जैसा तूने 6,000 रुपए भरा ना, मेरे को 5,500 रुपए दो, मैं भर लेता हूँ। अच्छा, कॉम्पिटिशन चलता है, कॉम्पिटिशन भी बहुत चलता है कि गाड़ी ज्यादा है, एक एक गाड़ी, एक एक ड्राइवर ने 2-3 गाड़ी लेके रखा है। अच्छा, तो इसलिए कंपटीशन ज्यादा है। वजन का तो पूछे आपने, गलत करके पूछे, यहाँ तो वजन तो 100 रुपए तो काटे के बाहर गाड़ी। अच्छा, आईटो डायरेक्ट बाहर हो जाता है, टेंशन नहीं ऐसा रहता है। कंपटीशन है भाई, हर चीज में कंपटीशन है, भाई का कहना बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा है कि आज तूने ये गाड़ी बन के आई है जैसा मार्केट से, अच्छी बन गई, मैं इससे अच्छी बनाऊंगा और बनाने वाला तुमको इससे अच्छी बनाएगा, क्योंकि एक गाड़ी बनाएगा तो उसको दूसरों को पसंद आएगी, वो 10 गाड़ी बना के देगा। कितना खर्चा आ जाता है वैसे बनाने के? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए भाई, बॉडी बॉडी का खर्चा आ जाता है, सिर्फ बॉडी बॉडी का खर्चा, बॉडी बॉडी का, अंदर अंदर से ये सब बना के देते हैं, बना के देगा तुमको टिप टॉप पर। अच्छा, 20-30 हजार का तो साउंड है इसके अंदर, 20-30 हजार का भाई बोल रहा है, स्टीरियो लगाते हैं साउंड का बहुत है। जो गाड़ी के वाटरप्रूफ है, गाड़ी के चेचिस के नीचे भी लगे हुए 4। अच्छा। और अंदर 2 है। अच्छा, नीचे स्पीकर नीचे है, चेचिस के नीचे भी है। अच्छा, गाने चलाने के लिए खराब नहीं होते बरसात में? पानी में चलाओ उसको, टंकी में डुबा कर। अच्छा, कोई चक्कर नहीं है? कोई चक्कर नहीं है भाई, क्या बात है। बस एक प्रॉब्लम है, अंदर के हीरो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए भाई, हमारे अंदर पानी आ रहा है, गीले हो रहे, जो गाना गा रहा है। क्या बात है, गाने कौन से सुनते ज्यादा? हिंदी तो क्या है कि अपने को बस ऐसे सदाबहार गाने और कैसे हो गए नॉर्मल से, ठीक है, ज्यादा आड़े टेढ़े गाने नहीं सुनता हूँ, समझ भी आना चाहिए ना। सही बात है, गाने तो बढ़िया जिंदगी ड्राइवर की। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। अच्छा क्यों? अरे क्या जिंदगी है ड्राइवर की यार, आदमी ये नहीं समझता है पुलिस वाला की क्या है, बस उसने गाड़ी रोक लिया। देखो गाड़ी के पेपर कम्प्लीट है, सीट बेल्ट लगा लिए है कि नहीं, गाड़ी के आगे बम्पर क्यों है? अच्छा, इसका ही पंगा बम्पर का? अच्छा, बम्पर का चालन कटेगा, केबिन का चालन कटेगा, जबकि पता है कि आईटीओ ने फिटनेस के ऊपर बम्पर का चेजिस का फोटो करके गाड़ी पास किया है। अब आईटीओ से बड़ा पुलिस वाला है क्या? ना, गाड़ी किसने पास किया? आईटीओ ने। फिटनेस किसने पास किया? आईटीओ ने। तो जब बम्पर का उन्होंने पास कर दिया, तू बम्पर का क्यों चालन कर रहे भाई? अच्छा, हमारे हर साल पासिंग है। अब ऐसा क्या है कि अपने तो मजबूरी है कि अपन रहने वाले बाहर के, अपनों को देना है, क्योंकि अपना टाइम खोटी करेगा, टाइम खोटी करेगा ना, अपनों को देना है। तो ले देखे राहुल की ही है, मजे भी है और सजा भी है। सजा भी है ऐसा। मैं तो यार देखा ट्रक में यार, भी बुरा हाल है, कमर दर्द होने लग जाता है, जैम पीतने हैं, रोड खराब है, जिंदगी देखो, कभी चला ना 30-35-36 साल, उसके बाद में आगे खराब हो जाएगी। सही बात है कि नहीं, निगाह चली जाएगी, लैटे पड़ेगी रोड के ऊपर, ये तो है, ऐसा तो है। तो भाई वीडियो हो जाएगी ज्यादा लंबी बातों बातों में, तो चंगा जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ऐसे ही हम वीडियो लेकर आते हैं, आपको जानकारी देते हैं। पिकअप गाड़ी का डालने का बहुत ही बढ़िया फायदा है, बुरहानपुर के अंदर काफी अच्छा काम है जैसा कि भाई ने बताया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, ट्रक से बढ़िया जितना छोटा काम करोगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। चंगा जी, सत श्री अकाल, ट्रांसपोर्ट लाइव इसी तरह आपको वीडियो दिखाता रहता है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।